कौन सा एक काम ये करते हैं कि रिफ्रेश करके बिल्कुल न्यू फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, उस पर काम करेंगे तो वो तो सारा वही वाला हो जाएगा ना यार, वही वही गिट रेपो बनी हुई है उस तरीके से। तो यहाँ पे जाते हैं, एक न्यू फोल्डर बना देते हैं। क्या बना देते भाई, बोलो ना, न्यू फोल्डर बना दे। किस नाम से बना देते भाई? याजूज माजूज के नाम से बना देते, याजूज माजूज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे या नहीं बनाए, बनाए एक और फोल्डर बनाए इसके अंदर, बताओ किस नाम से बनाए, गेटअप के नाम से बना देते, ठीक है भाई। इस गेटअप के अंदर क्या होगा है, इसके अंदर यहाँ पे जाना है शो मोर ऑप्शंस पे, और यहाँ पे जाके ओपन विद कोड करना है, ठीक है। एक अच्छी सी प्यारी सी वेबसाइट बनानी है हमें, कैसे बनाते हैं अच्छी सी प्यारी सी वेबसाइट, पता है किसी को? यहाँ पे जाएंगे, एक लगाएंगे index.html, सही है। index.html में जाने के बाद क्या करते थे, क्या बनाते थे, बॉयलर प्लेट। ये क्या होता है बॉयलर प्लेट, का मतलब बना बनाया चीज है। हाँ, अब क्या करेंगे, h1 लगाएंगे, और h1 के अंदर क्या लिख देंगे, प्यारी सी, पिंक कलर की नहीं, प्यारी सी वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, बोलो ना, प्यारी सी वेबसाइट आ गई, इस प्यारी को क्या करना है, कलर देना है ना, तो कलर कैसे देंगे, बोलो ना, बोलो, इनलाइन सीएसएस नहीं लगा रहे, क्या लगा रहे, लिंक लगा रहे। अच्छा जी, इसके अंदर क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे, प्यारी को बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे प्यारी को, h1 के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर लगा दिया, कौन सा कलर लगा दिया, पिंक, क्या लगा दिया, पिंक लगा दिया, रिफ्रेश करके देखा ज्यादा प्यारी हो गई है, ठीक है। इतनी प्यारी अच्छी नहीं लगती, कौन सी वाली अच्छी लगती है, ये वाली अच्छी, ठीक है। क्या करना है, इसको सेंटर में लेकर आना है, क्या करते थे, टेक्स्ट लाइन सेंटर करते थे, हाँ भाई आ गया समझ में। अच्छा जी, अब क्या करना है, मार्जिन वार्जिन देते इसको, हम इसको दे देते पैडिंग, क्या दे देते, पैडिंग, कितनी देते पैडिंग, इसको हमने बोल दिया 10px, रिफ्रेश करके देखते हैं आ गई पैडिंग। अच्छा जी, इतना ठीक है, अब क्या करना है, इसको गिटहब पे डालना है, यहाँ पे जाते हैं, क्या करेंगे, github.com में क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है, साइन इन वगैरह करना है, सही है। प्लस के साइन पे जाएंगे, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये लो अपना वादा मैंने पूरा किया, जूम करके दिखा दिया, ठीक है। प्लस का साइन नजर आ रहा है सबको, या फिर एक काम करते हैं, इसको डार्क थीम को हटा के क्या कर देते हैं, व्हाइट थीम, कैसे होगी व्हाइट थीम, कैसे होगी, आती है नहीं आती है, यहीं पे होती है लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कहाँ पे, यहाँ पे आके सेटिंग 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 नहीं है, सेटिंग इस तरफ आती है, कहाँ है सेटिंग, ये रही सेटिंग, यहाँ पे जाके क्या करेंगे, थीम्स में जाएंगे, कहाँ है अपेरेंस, ये रहा अपेरेंस में जाके क्या करेंगे, लाइट डिफॉल्ट है ये, इस पे चले जाते हैं, ठीक है भाई। कहाँ जाना था, प्लस पे जाना था, प्लस पे जाने के बाद न्यू रेपो पे जाना था, न्यू रेपो पे जाने के बाद क्या करते थे, ये बोल रहा है अपनी रेपो का नाम बताओ, मैंने क्या बोल दिया इसका, प्यारी सी, क्या रख दिया मैंने, बोल रहा है योर न्यू रेपोजिटरी विल बी क्रिएटेड एज, बोलो ना, प्यारी सी, इसको बोल रहा है भाई पब्लिक रखना है प्राइवेट रखना है, क्या रखना है, पब्लिक रखना है, ठीक है। ये सारी चीजों को छोड़ो, क्या कर दो, क्रिएट रेपो कर दो, भाई बात समझ आई। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये सारी चीजें दे रही है, इस पे रो रहे थे कि हमारे पास ये नहीं आती है, ऐसे आ जाएगी है, ठीक है, लेकिन हमें इसको देखना नहीं है, हमें इसको देखना नहीं है, हमने इतना काम करने के बाद इसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, इसको क्या कर दिया, यहां से बंद कर दिया। याजूज माजूज को खोलते हैं, यहाँ पे क्या नजर आएगा, हमें एक फोल्डर नजर आएगा, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, गेट बैश शेयर, पक्की बात है, चलो गेट बैश शेयर कर लेते हैं, ओपन हो गया इसका कंसोल, नजर आ रहा है नहीं आ रहा, अब आ रहा है, सबसे पहले जाके इसको क्या बोलते हैं, गेट स्टेटस बोलते हैं, स्टेटस बताओ क्या है तुम्हारा, इसने बोला कैन नॉट अ गेट रेपो, रेपो ही नहीं है गेट की, क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हम लोग इनिट कराएंगे, जब गेट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर देखना शुरू हो जाएगा कि भाई अंदर क्या मौजूद है, क्या अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है।
गेट इनिट कर दिया। इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज होता है, है? अच्छा यहाँ पे जाके देखेंगे तो गेट का फोल्डर नजर आया, आएगा नहीं आप लोगों को? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्या होता है, हिडन होता है। तो हिडन के ऊपर जाके हमें क्या करना होता है, व्यू के अंदर जाके हमें शो में जाके इसको, ये हिडन आइटम्स है ना, इसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, सही है। अच्छा जी छोटे, अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो तुम ये चेयर लेके यहाँ पे आगे बैठ जाओ, अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, गेट बैश कर लिया, गेट इनिट भी कर लिया। अब इसको दोबारा बोलते हैं, स्टेटस बताओ, क्या बताया इसने स्टेटस में, क्या बताया? आवाज ही नहीं आ रही है। गिटहब बताया, बोला कि भाई गिटहब का फोल्डर एक पड़ा हुआ है। अब गिटहब का फोल्डर भी पड़ा हो सकता है, दो तीन फोल्डर और भी पड़े हो सकते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, हमें क्या करना है, सारों को करना है। क्या करेंगे, अगर सिर्फ गिटहब को करना होगा तो हम क्या करेंगे, गिट एड आगे लिख देंगे गिटहब। हमें गिटहब को थोड़ी करना है, गिट के आने वाली जितनी भी फाइल्स होंगी उनको भी तो करना है ना, तो क्या कर देंगे, ऑल कर देंगे। तो ऑल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं। माइनस ए का मतलब क्या है, ऑल। अगर माइनस ए थोड़ा सा तंग कर रहा है, गेट एड डॉट क्या कर दो भाई, गेट एड डॉट कर दो। नजर नहीं आ रहा, ये लो अब आ रहा नजर, सही है। गेट एड डॉट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अब क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई आपने सारी फाइल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं बोला ना। हम इसको जाके एक मरतबा दोबारा बोलते हैं, स्टेटस बताना, क्या बोल रहा है अभी स्टेटस में। पहले स्टेटस में से क्या बताया, सिर्फ गिटहब बताया, और वो भी लाल कलर का बताया। क्या मतलब इसका, ट्रैक नहीं कर रहा, सिर्फ इसने अंदर देख लिया कि भाई ये फोल्डर पड़ा हुआ, लेकिन इसके अंदर क्या काम हो रहा है ये मुझे नहीं पता। ये बात कर रहा था लाल कलर से। अब जब ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देख भी लिया बाहर फोल्डर क्या पड़ा हुआ है, ये भी देख लिया अंदर क्या फोल्डर पड़ा हुआ है, अंदर क्या काम हुआ है, ये सब देख लिया, ट्रैकिंग शुरू हो गई। बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने लेट सपोज कितना काम किया था, एक वो हेडिंग बनाई थी, हेडिंग बनाने के बाद हम थक गए। अब नेक्स्ट दिन काम करना है, अब नेक्स्ट दिन जो काम करना है, ये जो आज का काम छोड़ा है, किसी ना किसी मैसेज के साथ छोड़ूंगा ना, तो भाई मैंने इतना काम किया था, आगे जाके मैं उसके आगे काम करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला गेट कमिट माइनस एम, व्हाट डज इट मीन, मैसेज, ठीक है। अब मैसेज आप किस में देते हो, इनवर्टेड कॉमास में देते हो, जैसे कि मैंने यहां पे बोल दिया थक गया, प्यारी को देखते देखते थक गया। अब इसको हमने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। इसने कमिट कर दिया, आपके पास कमिट नहीं करेगा, आपके पास कमिट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे मैंने अपनी पहचान कराई दी है, आप लोगों ने अपनी पहचान नहीं कराई भी होगी। पहचान कैसे करानी है, अब जो कमांड लिख रहा हूं वो गिट कमिट से पहले की कमांड है, लेकिन मैंने लिखी नहीं है और अभी भी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कमांड क्या है, कमांड यह है गिट कन्फिग, मतलब गिट को कन्फिगर करो, माइनस माइनस ग्लोबल, ग्लोबली क्या करो, गिट को कन्फिगर करो, ग्लोबल करो, ठीक है। किससे करना है, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम में क्या आ जाएगा, जो आपका वहां पे यूजर नेम है, मैंने बोला मोहम्मद साद अली, एक कमांड हो गई है। इस पे इसको ये पता लग जाएगा कि भाई जो मेरे पास यूजर आ रहा है, मतलब जो अपनी रेपो वगैरह क्रिएट कर रहा है, उसका यूजर नेम क्या है भाई, मोहम्मद साद अली, या उसका नाम क्या है भाई, मोहम्मद साद अली। बात समझ आ रही है, इसको मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा, या चलो एक काम करते कर देते, ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। अब नाम तो चला गया, लेकिन जो काम होगा वो किसके जरिए होगा, ईमेल के जरिए होगा, किसके जरिए होगा भाई, ईमेल के जरिए। तो इसी कमांड को मैंने दोबारा लिखा, और यहां पे जाके जो आपने अपने साइन अप किया होगा जिस ईमेल से, वो आप क्या लिखोगे, 786, जो मैंने लिखा था 786.92@gmail.com, ठीक है। आपके जो भी ईमेल होगी आप वो लिखोगे। अब बताओ चेंज और कहां पे करेंगे, यूजर डॉट नेम लिखा हुआ है, इसको हटा के हम क्या कर देंगे, यूजर डॉट ईमेल। अब चलेगा कमिट, लेकिन मैं पहले कर चुका था कमिट,
ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? चलो एक मरतबा मैं दोबारा देख लेता हूँ कि अगर मैं कमिट करता हूँ तो ये क्या बोलेगा, नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन, मतलब अब कमिट करने की जरूरत ही नहीं है कोई, पहले मैं कर चुका था। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है? अभी तक क्या काम हुआ भाई? स्टेटस चेक किया, कुछ भी नहीं था, फिर क्या किया? इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज कराने के बाद क्या किया? स्टेटस चेक किया। स्टेटस में क्या बताया इसने? अनट्रैक बताया था, रेड कलर में आ रहा था। इसने बोला क्या करना है? ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए कौन सी कमांड चलाई? गेट माइनस क्या? गेट एड डॉट, यही था। फिर इसके बाद गेट स्टेटस चलाया, उसने क्या बताया? कि भाई अब जो अंदर की फाइल्स थी उनको भी चेक करने लग गया मैं, ऐसा ही है। फिर उसके बाद क्या चलाया? अभी बताया था मैंने, कमिट नहीं चलाना पहले। गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट, आगे अपना, फिर दूसरी कमांड यूजर डॉट, आगे अपनी, बात समझ आई? अब ये सारा काम हो गया, अब हमें क्या करना है? वो जो रेपो बनी हुई है वहां पे, कहां पे रेपो बनी हुई है? वो जो गिटहब के अंदर बनी हुई है भाई। ये लोकल एक पीसी है, ये पीसी जो है वो उससे जाके कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो तो क्लाउड है। क्या करना है? उन दोनों को आपस में लिंक करवाना है। तो हमने क्या बोला? मतलब रिश्ता भेजना है। अभी क्या करना है भाई? रिश्ता भेजना है। हमने बोला गेट रिमोट एट ओरिजिन, क्या करना है भाई? गेट रिमोट एड ओरिजिन, क्या करना है? इसके अंदर लिंक लगानी है। कौन सी वाली? ये जो लिंक है ना, कौन सी? ये वाली। अच्छा, यहाँ पे ये भी सिलेक्ट हुआ हो सकता है। देखो यहाँ पे दो बटन है, एक HTTPS और एक SSH है। हमें SSH पे नहीं जाना, हमें किस पे जाना है? HTTPS पे जाना, और इसको जाके क्या करना है? कॉपी कर लिया, कॉपी। अच्छा, यही कमांड देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है, गेट रिमोट एड ओरिजिन, सही है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करेंगे? कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, शिफ्ट इंसर्ट से करेंगे। बात समझ आ गई है? ये मैंने एंटर प्रेस किया, इसका मतलब रिश्ता लेके मैं चला गया। अब क्या करना है? पुश कर, पुश कर, ऐसा ही है ना। कैसे करेंगे पुश? है गेट पुश करना है। कहां पे पुश करना है? जिसका रिश्ता लेके गए हो ना, हाँ, माइनस यू ओरिजिन मास्टर, क्यों लिख रहा हूं मैं भाई? यहां पे तो मेन लिखा हुआ है, ये देखो यहां पे गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन लिखा हुआ है। मास्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसने बोला कि भाई आपने यहाँ पे गेट ब्रांच बनाई थी मेन की, लेकिन हमने तो बनाई नहीं थी। हमने बनाई थी, नहीं बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी, तो ये क्या बता रहा है? डिफॉल्ट ब्रांच क्या है इसकी? मास्टर। तो पुश भी कहां पे करना पड़ेगा? मास्टर में करना पड़ेगा। एंटर करेंगे हो जाएगा या नहीं होगा? मेरा तो हो जाएगा, आपका एरर है, ऐसा ही है। चलो चला के देखते हैं, एंटर प्रेस कर दे, अल्लाह करे मेरा एरर ना आए। ले क्या बोल रही है? अनेबल टू एक्सेस github.com मोहम्मद साद अली प्यारी सी, द रिक्वेस्टेड URL रिटर्न 403। अबे ये क्या सीन? हाँ भाई, एरर 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 पढ़ो, परमिशन टू मोहम्मद साद अली प्यारी सी को नहीं दे रहा, डिनाइड कर रही है। क्यों डिनाइड कर रहा है? बोल रहा है कि भाई अनस इरफान 123 जो है वो आपको परमिशन नहीं दे रहा। ये कौन है अनस? क्या करना पड़ेगा? अनस को हटाना पड़ेगा और फिर साथ से पुश करवाना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे सर्च में, क्या हो गया सर्च में मैंने कौन सी गलत बात की है? अच्छा, सर्च में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मैनेज क्रेडेंशियल्स। देखो यहाँ पे कोई चीज नजर आएगी या नहीं आएगी? देखो, चलो यहाँ पे इसको छोड़ो, हमने यहाँ पे लिखा कंट्रोल पैनल। क्या बोला? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे जाते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी। क्या नजर आएगा? यहाँ पे आएगा, अल्लाह हमारा भला करे,
क्रेडेंशियल्स, ये विंडोज क्रेडेंशियल्स के नाम से कोई चीज होगी यहाँ पे। क्रेडेंशियल मैनेजर कहाँ लिखा है, ये रहा ऊपर, क्या लिखा भाई ये, क्रेडेंशियल मैनेजर। यहाँ पे मैं गया, अब यहाँ पे जाने के बाद ये बोल रहे हैं वेब के क्रेडेंशियल्स को छेड़ना है। मैंने बोला नहीं, किसको करना है, विंडोज के। यहाँ पे जाके देखते हैं अब, अच्छा नजर नहीं आ रहा ना आप लोगों को, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नीफायर। अंदर जाके दिखाएगा ये, ठीक है, गहराइयों में ये देखो नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं github.com, नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है। हाँ भाई यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके क्या बोल रहे हैं ये, अना सिरफानिया बेटा, देख रहे हो। अब यहाँ पे जाके क्या करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमने इसको क्या बोला कि भाई आप क्या कर दो, रिमूव कर, ठीक है, किसके दिल से निकाल दिया, प्यारी के दिल से निकाल दिया। अब यहाँ पे जाके क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, और यहाँ पे भी इसको क्या करना था, मिनिमाइज करना था। कहाँ पे था हमारा फोल्डर, कहाँ है ये रहा। अबे ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा ना, ठीक है अब इसको हटा देते। अब हमने इसको क्या किया, हमने बोला कि भाई मैंने किसको हटा दिया, अनस को हटा दिया। अब अनस को जब हटाया है तो मुझे ये बताओ कि क्या मुझे अब अपनी पहचान दोबारा करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी ना, एक मरतबा अनस को हटाया है तो अब क्या करना पड़ेगा, पहचान दोबारा करानी पड़ेगी। तो हमने इसको क्या बोला, गेट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। मोहम्मद साद अली को एक बार और चला दिया, फिर दोबारा क्या करना है, ईमेल चलानी है, ईमेल चला दी। कमिट करूं या नहीं करूं, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो फिर भी एहतियाती तौर पे कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या करना है, गेट रिमोट एड ओरिजिन दोबारा कर देते हैं, कर दिया। क्या बोल रहे, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब क्या करना है, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, एंटर प्रेस किया। आप भी एरर देगा क्या, ले नहीं आया, ये खुल गया यहाँ पे साइड में। ये बोल रहा है भाई साइन इन विद योर ब्राउजर, मैंने बोला हाँ ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, साइन इन किया हुआ ना, हाँ तो अब दोबारा थोड़ी करना पड़ेगा, ये हो गया। बस इसने क्या किया, साइन इन किए बटन के ऊपर क्लिक किया, डेटा इसने फेच किया वहां से गिटहब से, और जाके इसको जब हमने रिफ्रेश करके देखा तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या नजर आ जाएगा आपको, क्या नजर आएगा, मैग्नीफायर खुला हुआ है क्या, ये रहा, ये देखो गिटहब आ गया, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जाके देखूंगा तो क्या ये मुझे इंडेक्स और एचटीएमएल और सीएसएस बताएगा। देखो यहाँ पे जाके देखा तो क्या बता रही है, इंडेक्स और एचटीएमएल और सीएसएस। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें करना ये है कि भाई हमने यहाँ पे जाके इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, क्या करनी है भाई, कोई चेंजेस करनी है। अब चेंजेस में हमने इसको क्या बोला, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाओ, प्यारी सी वेबसाइट के साथ साथ क्या कर दो, एक चीज यहाँ पे लिख दो, प्यारा सा नहीं, प्यारी सी के साथ क्या आएगा, हैंडसम, हैंड हैंडसम सा साथ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे चेंजेस आ गई है या नहीं आई है, आ गई है ना भाई, एक दिन मैंने इतना काम किया था, अगले दिन मैंने क्या लिख दिया, हैंडसम सा साथ। अब यहाँ पे जाके क्या करना है बताओ, दोबारा यहाँ पे गए, मैंने उसको बोला यार एक मतलब आप मुझे स्टेटस तो चेक कराना, क्या बताया, स्टेटस तो चेक कराना, क्या बोला इसने, मॉडिफाइड। सर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, ठीक है बात समझ आई है। अब मैंने बोला कि हाँ वो गड़बड़ मैंने की थी, मुझे क्या करना है, मैं दोबारा थक गया। इसको मैंने बोला गेट कमिट माइनस एम, अब मैंने इसको क्या बोला, दोबारा थक गया, एंटर प्रेस किया। हाँ भाई क्या एरर आया, ये गेट कमिट माइनस एम दोबारा थक गया, सही तो है, गेट कमिट सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे, हाँ हाँ सही सही, गेट ऐड भी तो करना है, गेट ऐड करना है वही दोबारा डॉट, डॉट का मतलब क्या है कि जितनी भी चेंजेस आई होंगी उसको वो क्या कर देगा, दोबारा कर देगा, ठीक है। अच्छा अब क्या चलाना है, गेट कमिट
दोबारा थक गया, अब यहाँ पे जाके क्या चलाना है? क्या वही दोबारा रिमोट ओरिजिन वगैरह ये सब करूंगा? नहीं करूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुश लिखूंगा, और आगे मास्टर भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो जो पहले वाला पुश हुआ हुआ है किस पे हुआ हुआ है? मास्टर पे ही हुआ हुआ है। यहाँ पे जाके मैंने एंटर प्रेस किया, गेट पुश हो जाएगा या नहीं होगा? देखो हो गया। अब होने के बाद यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूं, कहां पे? ब्राउजर पे जाके पहला कमिट आ रहा है, थक गया। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? दोबारा थक गया भाई, स्टैंडर्ड सीएसएस में थोड़ी चेंज किया था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? वही पुराना वाले कमिट आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? दोबारा थक गया। जब इंडेक्स एचटीएमएल को दोबारा जाके चेक करता हूँ तो ये क्या बता रहा है? बोले प्यारी सी वेबसाइट और हैंडसम सा साथ, ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं कि भाई आपने इस फाइल पे कितने कमिट किए हैं, क्या किए हैं, कितने कमिट किए हुए। तो अगर हमें कमिट्स को देखने हो ना कि भाई हमने कितने कमिट किए थे, पहले उसमें क्या किया, पहले उसमें क्या किया था और फिर दूसरे उसमें क्या किया था, तो हमारे पास यहाँ पे ना इसको देखने का ये भी होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जब हम गए तो उसने बोला कि भाई पहला कमिट ये था, दूसरा कमिट ये था, नजर आ रहा है? ऐसा ही है ना। जैसे ही हम थक गए हमें गए तो हमने इसने बोला कि भाई आपने इतना काम किया था प्यारी सी वेबसाइट। फर्स्ट कमिट में इसने क्या दिखाया? प्यारी सी वेबसाइट दिखाई थी, लेकिन सेकंड पे जाके हमने क्या किया था? चेंज कर दिया था। तो बैक आते हैं और बैक में मैंने बोला दोबारा थक गया, जो कमिट हुआ है इस बार, ये बताओ कि इसमें कितना काम किया था मैंने। इसको चला के देखा तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि पूरा वो कोड सेम था, लेकिन चेंज किस में आया? लाइन नंबर 12, और इसमें क्या आ गया? हैंडसम सा था। ये बात समझ आई? इसका मतलब ये ट्रैक कर रहा था। अब मैं विजुअल कोड स्टूडियो में जाके दोबारा चेंजेस करूंगा तो फिर वही मसला आ जाएगा, बार बार ऐड करना पड़ेगा बार बार। इस तरीके से आप क्या करते हैं, गिट को चलाते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास एरर आ रहे हैं ना, उस एरर का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि यहां पे जाना, कहां पे? ये जो आपका फोल्डर है, गिट का फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये जो गिट की फाइल है ना, ये जो हिडन होती है, इसको शिफ्ट पकड़ के डिलीट कर देना। शिफ्ट पकड़ के डिलीट करोगे तो इसका मतलब वो चीज जो है वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। जब गिट डिलीट हो जाएगा तो अंदर जितनी भी गेम हो रही थी वो गिट के फोल्डर में हो रही थी ना, index.html वगैरह में तो नहीं हो रही थी भाई। जो ट्रैक कर रहा था वो गिट के फोल्डर से कर रहा था ना, अब सारी गेम खत्म हो गई, अब दोबारा से गेम चलाना, तो फिर ये होगा कि पॉसिबली उसका एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब वो जो एक्सेस डिनाइड वाला ऑप्शन आया वो मेरे पास आया, हो सकता है कि वो आप लोगों के पास भी आया, हो सकता है वो आप लोगों के पास ना आए। आप लोगों के पास किस सूरत में आ सकता है कि आपका, मान लेते हैं कोई भाई या आपकी कोई बहन या आपकी अम्मी या आपका अबू जो है वो डेवलपर हो, एक ही लैपटॉप यूज करता हो, ऐसा ही है क्या? हो गया, अम्मी अबू डेवलपर नहीं हो सकते क्या? बेटा वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा डेवलपर है, तुम्हारी सोच से। हाँ सोचा है तुम्हारे अम्मी अबू डेवलपर नहीं है, तुमसे बोल रहा हूँ, दबा देते हैं बात। अच्छा, तो हमें क्या करना है, उस फोल्डर को डिलीट करना है, फोल्डर को डिलीट करने के बाद दोबारा सब चलाना है, और दोबारा सब चलाने के बाद हो जाएगा, ठीक है भाई। एक्सेस डिनाइड कैसे? कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल के बाद कहाँ जाना है? क्रेडेंशियल मैनेजर में, क्रेडेंशियल मैनेजर में जाते हैं तो दो चीजें नजर आती हैं, वेब क्रेडेंशियल और विंडोज क्रेडेंशियल। हमें किस में जाना है? विंडोज क्रेडेंशियल में। विंडोज क्रेडेंशियल में जाके क्या करना है, वहां पे क्या नजर आएगा? गिटहब नजर आएगा, अनस नहीं आएगा, अनस तो यहाँ पे आया है ना, आपके घर पे कोई और हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका भाई वगैरह सी। अच्छा जी, तो ले तो हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है, या फिर आप एडिट भी कर सकते हो वहां पे जाके डायरेक्ट, फिर वही कमांड दोबारा चलानी, और फिर दोबारा चलाने के बाद हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करना है, होस्टिंग सीखनी थी, ये जो हमने प्यारी सी बनाई थी इसको क्या करना है, होस्ट करना है। तो होस्ट करने के लिए क्या करते थे, यहां पे हम जाते थे, लिखते थे netlify, क्या लिखते थे? netlify लिखते थे, क्या लिखते थे? netlify लिखते थे। यहां पे जाके हम इसको क्या करते थे, क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद क्या करना है, साइन अप करने की जरूरत है मुझे, ज्वाइन अस एट कंपोज कॉन्फ्रेंस,
हाँ भाई, साइन अप करने की जरूरत है या नहीं? नहीं है। लॉग इन पे जाते हैं और लॉग इन पे जाने के बाद क्या चलो एक काम ये करते हैं, आप लोगों के लिए न्यू अकाउंट बना देता हूँ, फिर मसला नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा जी, हमने इसको क्या किया, साइन अप किया। क्या किया भाई? साइन अप किया। अब साइन अप पे ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे भाई साइन अप विद गिटहब करना है, गिटलैब करना है, बिटबकेट करना है। मैंने बोला नहीं, किससे करना है? ईमेल से करना है। अब ये वाली ईमेल थी मेरी, इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। 2013 के अंदर मैंने एक अकाउंट बनाया था, याद है किसी को? मैंने लिखा था साद कॉन्फिडेंट स्टूडेंट एट द रेट gmail.com। ये 2013 की वो है, क्या है, क्या है, ईमेल है। अच्छा एक काम ये करते हैं कि इसको ना साथ ही साथ खोल भी लेते हैं अपने पास, न्यू टैब में कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है, न्यू टैब खुलता है, इनकॉग्निटो खुलता है। इनकॉग्निटो में क्या करते हो यार, ही समझ गई। हाँ क्या करने है यहाँ पे जाके, हमें लिखना है यहाँ पे gmail.com। अच्छा जी, अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हिस्ट्री सेव नहीं हो सकती। हिस्ट्री देख सकते हैं? अच्छा चलो फिर बाद में देखेंगे, वरना पता नहीं मैंने इसमें क्या क्या देखा। हमने क्या बोला, सात कॉन्फिडेंट स्टूडेंट एट द रेट gmail.com, सही है भाई? अच्छा पासवर्ड क्या था? पासवर्ड था, रोल नंबर लिखे थे मैंने। हाँ भाई खुल गया, ये खुल गया या नहीं खुला? आज किसका नेट चल रहा है इतना तक, ऑडिकास्ट नॉट नाउ कर देते हैं इसको। हाँ भाई जीमेल खुल गया, सही है। अच्छा आप क्या करने, अब हमने यहाँ पे जाके वो पासवर्ड लिखा जिससे हमें लॉगिन करवाना है, तो मैंने वही सेम पासवर्ड लिख दिया, सही है? और इसको क्या कर दिया मैंने, बोलो ना, पासवर्ड इज टू इजी टू गैस, वी सजेस्ट यूजिंग अ पासवर्ड जनरेटर अस मूवमेंट। तो हम यहां पे लिखते हैं 33 लिख दिया पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स, कितना रो रहा है यार ये लिखा था, फिर उसके बाद चलो ये लिख देते हैं। हो गया साइन अप। अच्छा इसको मैं क्या कर देता हूँ, नेवर कर देता हूँ। बोल रहा है कि चेक योर ईमेल, ईमेल कहाँ पे खोली थी, यहाँ पे खोली थी, इसकी ईमेल ही नहीं खुली अभी तक। आगे क्या बोल रहा है, ये तो गूगल की दे रहा है, नेटलीफाई की नहीं आई अभी तक, स्पैम में तो नहीं आएगी, वैसे ही आ जाती है। चलो मैं उसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ भाई आ गई नेटलीफाई की ईमेल, इसको ओपन करके देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। वेरीफाई ईमेल करो, मैंने कर दिया वेरीफाई, उसको छोड़ो ना, द लॉगिन लिंक इज नो लॉन्गर वैलिड, टू रिक्वेस्ट अ न्यू लिंक एंटर द ईमेल यू यूज टू साइन अप। यही मसला आ रहा था आप लोगों का, अकाउंट भी सस्पेंड कर रहे हैं। अच्छा जी क्या कर सकते हैं हम,
इसका मतलब ये है कि नेटलिफाई क्या हो गई है, अब फेल हो गई है, बेकार हो गई है। अब जो नेटलिफाई पे जिसका पुराना अकाउंट बना हुआ था वो तो कर सकता है होस्ट, और जो नया अकाउंट वाले है वो साला नहीं कर सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जाते हैं गिटहब पे। किस पे जाते हैं भाई, गिटहब पे जाते हैं। गिटहब पे हमने एक ये रेपो बनाई थी प्यारी सी के नाम से। यहां पे हमें कहां जाना पड़ेगा, साइट सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा भाई, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आप यहां पे आओगे, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, पेजेस, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ऊपर सबको। इस पेजेस के ऊपर चले गए। पेजेस के ऊपर जाने के बाद ये क्या बोल रहे, डिप्लॉय करो फ्रॉम अ ब्रांच। ठीक है, मैं इसको क्या बोलता हूं, नन से हटा के आप क्या कर दो यहां पे, मास्टर कर दो। बात समझ आई। और मैंने इसको क्या कर दिया भाई, सेव कर दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, गिटहब पेजेस सोर्स सेव्ड। अब यहां पे ना थोड़ी देर के बाद आपके पास यहां पे क्या आएगा, कोई लिंक आएगा। और वो लिंक कहां आएगा, कहां आएगा, रिफ्रेश करें, 3 मिनट लगते हैं। हाँ यार, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे ना कुछ सेट भी करना पड़ता है, या ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो, इसने बोला कि 3 मिनट वेट करना पड़ता है, तो 4:58 हो रहे हैं। हम कब तक वेट कर लेते, 6:01 तक। इतने कोई और चीज समझ, हाँ देखो ये आ गया। दोबारा रिफ्रेश करने पे क्या आया, ये क्या आया, योर साइट इज लाइव एट, इस पे हो गया। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं कि भाई क्या सीन है। ये बोल रहा है पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने 3 मिनट वेट नहीं किया, तो पूरा 3 मिनट वेट करेंगे। सही है, तो index.html ही तो है। अबे तो भाई ये रहा ना, गिटहब के अंदर index.html है। अभी देखते हैं, तुम्हारी बात इंशाल्लाह कच्ची हो जाएगी। The site configured at this rate does not contain the requested file. If this is your site, make sure the file name case matches the URL as well as any file permission for root, like example.com, you must provide an index.html file. अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे रूट को जाके किस में जाना है भाई, मास्टर में ही थे ना, मास्टर में जाके क्या करना था बताओ, आगे बताओ क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहे हो, मतलब ये गिटहब का जो फोल्डर है अंदर जो फोल्डर बनाया है वो नहीं होना चाहिए। एक काम ये करते हैं कि इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। कहां पे निकाल देता हूँ, यहां पे। और इस गिटहब के फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर दूं। ऐसे ही बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे भी एक खुला हुआ है। कंट्रोल पैनल को भी बंद कर देते हैं, इसको 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 भी बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ, क्या करना था, इस पे जाना था और ट्राई अगेन करते हैं। सही है जी, क्या करना है, अब यहां पे जाते हैं, शो मोर पे जाके गेट बैश एयर, और इसको बोलते हैं गेट स्टेटस। स्टेटस पे क्या बता रहे हैं, डिलीटेड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, गेट एड, और यहां पे जाके गेट पुश कर दें। एवरीथिंग अप टू डेट बता रहा है ये तो। इसको मेरे ख्याल से फिर डिलीट करना पड़ेगा। ये देख लो, डिलीट वाले जो बोले थे कि सर डिलीट करना नहीं आता हमें, तो किस तरीके से होगा,
आपको यहाँ पे जाना है रेपोजिटरीज पे, जो भी आपकी रेपो हो, मतलब जैसे ये प्यारी सी है इसके ऊपर जाएंगे और क्या करना है, सेटिंग्स में जाने के बाद इसको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाओ। क्या लिखा हुआ ये, क्या लिखा हुआ है, डेंजर जोन। और डेंजर जोन में जाके क्या कर देंगे, डिलीट दिस रेपो, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस रेपो। ठीक है, इसने क्या बोला, आई हैव रीड। और जब आप ये कर लो तो फिर आप इसको क्या करो, यहां से आप इसको करो कॉपी और यहां पे इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो और यहां पे डिलीट दिस रेपो कर दो। सही है, अभी आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं तो मैंने यहां पे पासवर्ड लगा दिया। और यहां पे क्या बोल रहे हैं, योर रेपो वॉज सक्सेसफुली डिलीटेड। अब यहां पे जाके दोबारा वही काम करते हैं कि एक न्यू रेपो बना लेते हैं। ठीक है, और इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फोल्डर था कौन सा वाला, ये वाला, इस फोल्डर को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो सारी गेम किस में हुई हुई थी, गिट के फोल्डर में हुई हुई थी। अब यहां पे जाके क्या करना है, गिट बैश दोबारा करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप अपना स्टेटस बताओ। बोला नहीं है तो हमने क्या बोला कि क्या चलाओ, बोलो ना, ये एरो के जरिए। ठीक है, अब क्या करना है, गेट ऐड करने, फिर अब इसको जाके दोबारा बोल देते हैं स्टेटस, हो गया। और अब यहां पे जाके क्या करना है, गेट कमिट माइनस एम और इसको बोल देते हैं न्यू। और यहां पे जाके क्या बोल रहे हैं, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। और यहां पे क्या करना है, हमें इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, गेट पुश ओरिजिन माइनस यू होता है, हो गया ये। अच्छा जी, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, आ गई index.html और style.css। अब यहां पे कहां जाना है, style.css में। style.css में जाने के बाद किस पे जाना था, पेजेस पे। पेजेस पे जाने के बाद कहां जाना था, ये जो नन लिखा हुआ है इस नन को हटा के हम क्या कर देंगे, मास्टर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 मिनट का वेट करना पड़ेगा, लेकिन 3 मिनट का वेट करने पे हम लोग क्या करते रहते, बार बार इसको रिफ्रेश करते रहेंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, बोलो, वही स्टेप्स बार बार कर रहा हूं मैं। सही है भाई, आ गया मैसेज हमारे पास, बोल रहे योर साइट इज लाइव एट इस पे, हो गया। ठीक है, इसको चला के देखते हैं तो ये हमारी वेबसाइट क्या आ गई है, होस्ट होके आ गई है। अब आपके जहन में वही सवाल आएगा कि अगर वेबसाइट के अंदर चेंजेस आ रही है, ऐसा ही है ना, अगर चेंजेस आती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, गेट ऐड करेंगे, फिर गेट पुश कराएंगे और फिर दोबारा क्या करेंगे, दोबारा होस्ट करेंगे या रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा, करके देख लें। यहां पे हमें किस पे जाना था, index.html को हमने क्या किया, ओपन विद कोड कर लिया। और यहां पे जाके हमने सिर्फ हैंडसम रख दिया, यहां पे चेंजेस आ गई हैं और साइड में लिखा अभी आ रहा है, 1 सेकंड पहले आपने क्या किया, चेंजेस किए हैं। अब ये क्या है, अनकमिटेड है, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको ट्रैक कर रहा है। अब हम इसको ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है, बताओ, यहां पे जाके स्टेटस चेक करना है, क्या बोल रहा है ये, मॉडिफाइड, क्या करेंगे आप, गेट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गेट कमिट करेंगे और इसको हम क्या बोल देते हैं,
दोबारा थक लिख देते हैं बस, ठीक है, कमिट भी हो गया। अब क्या करना है, गेट पुश करना है, गेट पुश चलाया इसने, क्या कर दिया इसको पुश कर दिया। अब यहां पे जाके जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, ये चीज हटा दी थी ना हमने, हट जाएगी या नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। क्या करना पड़ेगा इसको, दोबारा पेजेस में जाके चेक कर लेते हैं कि कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। ये तो तुम जुगाड़ बता रहे हो यार, नहीं हो रही, चेंजेस नहीं हो रहे। किस तरफ, विजिट साइट, इस पे जाएं, इस पे जाएं, वेबसाइट में जाएं, रिफ्रेश करते रहे। भाई यार ये क्या बता रहे हो, हिला रहा हूं मैं तो भी, और हो गई हिलाते हिलाते सात कदम हो गया। हाँ भाई, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके की होस्टिंग है, लेकिन ये जुगाड़ वाली होस्टिंग है। तो अगर ये कोई करना चाहे तो ये वाली कर सकता है। इसके अलावा भी एक और होस्टिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फायरबेस होस्टिंग, वो सिखा दे। फायरबेस वाली इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिखा दूं, चलो सिखा दूं। अच्छा एक और होस्टिंग भी होती है सर्च की, वो किसको पता है, आती है सर्च की होस्टिंग, आती है npm चलाना पड़ता है, -i search node.js इंस्टॉल करना पड़ता है उसके लिए। स्टेप्स याद है, क्योंकि मैं थोड़े से उसके स्टेप भूला हुआ, याद है या नहीं है किसी को, किसका, अबे नहीं आती ना मुझे सर्च, यही तो मैं बोल रहा हूँ। फायरबेस, हाँ फायरबेस आती है, फायरबेस करवा लो, या फिर एक काम ये करते हैं npm सर्च होस्टिंग, देखते हैं कि क्या देता है ये फ्री वेयर होस्टिंग्स में, इमेजेस, npm सर्वर होस्टिंग नहीं, सर्च होस्टिंग, npm install -- global search, ठीक है सही है। फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें, वेलकम टू सर्च, प्लीज लॉगिन करना पड़ता है, ये वो सारी चीजें, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये, छोड़ो। फायरबेस होस्टिंग कर ले, देखो हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, लिखेंगे फायरबेस, क्या लिखेंगे बोलो ना, फायरबेस। फायरबेस क्या है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि फायरबेस जो है ना, इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है, हमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, बोलो मिलते हैं। इसी तरीके से एक बाहर की यूनिवर्सिटी थी, उस बाहर की यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिला गया, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या किया उन लोगों ने, एक फायरबेस बनाई। दो स्टूडेंट्स थे, दो स्टूडेंट्स ने क्या किया, फायरबेस बनाई। अब फायरबेस जब उन्होंने बनाई तो उसके अंदर उन्होंने एक सर्विस रखी थी, और वो एक सर्विस क्या रखी थी कि उसको फायरबेस एज अ डेटाबेस बनाया, मतलब उन्होंने क्या क्रिएट किया था अपने FIP के अंदर, डेटाबेस बनाया था। और उनका ये बनाया हुआ डेटाबेस इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ कि इसको अप्रोच कर लिया किसने, गूगल। अगर गूगल कोई चीज खरीदता है तो वो हल्की चीज तो खरीदेगा नहीं, कोई गेम है गूगल के पीछे, ऐसा ही है ना। अब ये सोचो कि उसने कितनी बेहतरीन बनाई होगी ये फायरबेस। अब उसने क्या किया, गूगल ने कुछ डॉलर्स के ऊपर, मतलब कोई इनकी अमाउंट फिक्स हुई होगी, उस पे उसने क्या कर लिया, फायरबेस को खरीद लिया। अब ये प्रोडक्ट जो था वो किसका हो गया, गूगल का हो गया। अब जब ये गूगल का प्रोडक्ट हो गया तो गूगल सिर्फ वही चीज तो रखेगा नहीं, कस्टमाइजेशन भी तो करेगा उसके अंदर, ऐसा ही है। उसने क्या किया, उसने सिर्फ उसको डेटाबेस बनाया था, गूगल ने इसके अंदर होस्टिंग में डाल दिया, गूगल ने इसके अंदर दो तरीके के डेटाबेस बना दिए, एक रियल टाइम डेटाबेस बना दिया, एक फायरस्टोर डेटाबेस बना दिया। इसके अंदर क्लाउड फंक्शंस भी आ गए,
इसके अंदर मशीन लर्निंग के ऊपर अगर कोई काम करते हैं तो फायरबेस के अंदर ये भी काम हमें मशीन लर्निंग वाला भी मिल गया। बात समझ आ रही है या नहीं? इसके अंदर डेटाबेस के अंदर जो है इमेज को स्टोर करने का ऑप्शन भी आ गया, इसके अंदर वीडियो को स्टोर करने का ऑप्शन भी आ गया। अब ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये उन दो बंदों ने नहीं किया, ये सब किसने काम किया? ये गूगल ने काम किया। जब गूगल ने ये सारा काम कर दिया, फिर गूगल ने इसको क्या किया? ओपन सोर्स कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ यूज करो, एक रुपया भी नहीं दो, चलाओ। डेवलपर जो थे अब आना शुरू हो गए किसकी तरफ? वो क्यों आना शुरू हो गए? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल रहा है? डेटाबेस मिल रहा है, होस्टिंग मिल रही है, क्लाउड फंक्शंस मिल रहा है, स्टोरेज मिल रही है, मशीन लर्निंग मिल रही है। पांच चीजें तो ऐसी हैं, छठी चीज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब अभी करवाया था लोकल स्टोरेज वाला, ईमेल पासवर्ड मैच करवाना है। किससे मैच करवा रहे थे? लोकल स्टोरेज से मैच करवा रहे थे ना। फायरबेस ने क्या किया? ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन रख दिया। ये चीज पता ही होगा आपको, जब कि कोई भी एप्लीकेशन आप चलाते हो उसमें क्या होता है, एक होता है ईमेल, एक होता है पासवर्ड, नीचे एक बटन लिखा होता है लॉगिन विद फेसबुक। आजकल क्या होता है कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अलग से जाके साइन अप करेगा, उसको लॉगिन करेगा, एक बटन के ऊपर क्लिक करता है लॉगिन विद फेसबुक। चल मेरा भाई डेटा गया वहां पे, डेटा फेच करके लाया फेसबुक से, ऑथेंटिकेट कर दिया। काम किसने दे दिया? फायरबेस ने। काम आसान हो गया। नीचे लिखा होता है लॉगिन विद गूगल, करने की जरूरत ही नहीं है ईमेल पासवर्ड, लॉगिन विद गूगल करोगे डेटा उठाएगा ऑथेंटिकेट करेगा, चलो मेरा भाई आगे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ो। तो फिर क्यों फायरबेस यूज ना करें? बात समझ आ रही है? ये दोनों चीजें हो गई। तीसरी चीज लॉगिन विद फोन नंबर, लॉगिन विद एप्पल आईडी, लॉगिन विद प्ले स्टोर वगैरह, इस तरीके से और भी ऑप्शन होते हैं हमारे पास फायरबेस के अंदर ही। फिर अगर ये सारी चीजें नहीं तो लॉगिन विद जस्ट ईमेल और पासवर्ड भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है या नहीं? अब ये सारी चीजें फायरबेस पे आ गई है। अब इसमें से एक सर्विस हम यूज करने के लिए जा रहे हैं और वो सर्विस का नाम क्या है? होस्टिंग। जब आगे जाएंगे ना इसी मॉड्यूल में, जब आगे जाएंगे तो आप देखेंगे जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ऑथेंटिकेशन पूरी करवा के दिखाऊंगा यहाँ पे फेसबुक के साथ, ईमेल पासवर्ड की भी करवा दूंगा, फेसबुक की भी करा दूंगा, फिर बोलूंगा गूगल करके दिखाओ, हो जाएगा, मसला नहीं है। फिर रियल टाइम डेटाबेस भी करा दूंगा, फायर स्टोर डेटाबेस भी करा दूंगा, कि अगर आपके सॉफ्टवेयर हाउस में बोलेंगे भाई हम रियल टाइम के ऊपर काम करते हैं तो रियल टाइम पे काम करना शुरू हो जाओ। अगर किसी कंपनी के अंदर आप ये बोलते हैं भाई हम तो फायर स्टोर यूज करते हैं, फायर स्टोर पे काम करना शुरू हो जाओ। स्टोरेज भी सिखाऊंगा, इमेज को किस तरीके से स्टोर करेंगे, वीडियोस को किस तरीके से स्टोर करेंगे, सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्मा के बाद, एक्मा स्क्रिप्ट के बाद, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जाना है फायरबेस के ऊपर जाना है, क्लिक किया फायरबेस के ऊपर, आपको क्या बोलेगा कि सबसे पहले आप इसको क्या कर दो? साइन इन कर दो। मेरा यहाँ पे साइन इन हुआ हुआ है इसलिए मेरे यहाँ पे क्या आ रही है? इमेज आ रही है। वरना आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, साइन इन। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है? गो टू कंसोल आ रहा है नजर या नहीं आ रहा? ये हमारा वाला कंसोल नहीं है कि साइड में कंसोल खुल जाएगा, ये इसका अपना कंसोल है। इसके ऊपर क्लिक करोगे ये क्या बताएगा? क्या बताएगा? ये बोलेगा कि भाई ये आपको प्रोजेक्ट्स बनाने की मैं जगह दे रहा हूं। कितने प्रोजेक्ट्स बने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए। आपको लिमिट देते हैं 10 प्रोजेक्ट बनाने की। कितने प्रोजेक्ट बनाने की? 10 प्रोजेक्ट बनाने की लिमिट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब 10 से आगे बढ़ोगे तो फिर पैसा लाया। बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, हमने इसको क्या बोला भाई? एड प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाओ। किस नाम का प्रोजेक्ट बना देते हैं? हमने बोल दिया भाई सैलानी के नाम से प्रोजेक्ट बना। इसको हमने क्या किया? कंटिन्यू कर दिया। सही है, कंटिन्यू करने के बाद यहां पर भी कंटिन्यू कर दिया और इसको सिलेक्ट एन अकाउंट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफॉल्ट कर देंगे। तेज तो नहीं गया, आ गया समझ? यहां पे जाके क्या करना है? क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। अच्छा जी, अब क्रिएट प्रोजेक्ट में क्या करेंगे? ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उसके हिसाब से चलेगा।
हाँ भाई प्रोजेक्ट रेडी हो गया, कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद क्या हुआ, ये आ गया, बात समझ आई, कुछ भी नहीं किया। अब यहां पे इसके लेफ्ट साइड पे चीजें देखो, बिल्ड में जैसे ही जाते हैं ऑथेंटिकेशन आ रही, नजर नहीं आ रही है, ये क्या है इसकी सर्विस है, ऐप चेक, फायर स्टोर, रियल टाइम स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शंस, मशीन लर्निंग, रिमोट कॉन्फ़िग, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये क्या है इसकी, क्या है, सर्विसेज है। हमें किस पे जाना है, होस्टिंग पे जाना है, चले गए होस्टिंग पे। बस यहां पे आके आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड करना है, गेट स्टार्टेड कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या करें, सिंपल नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, कंटिन्यू कंसोल कर दे। सही है भाई, बात समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि क्या करना है, ये जो हमारा फोल्डर था कौन सा, एक न्यू फोल्डर और बना देते जिसका नाम हम न्यू फोल्डर ही रखे रहने देते, और यहां पे जाके एक इंडेक्स और एचटीएमएल की क्या कर लेते हैं, फाइल बना लेते, index.html, सही है। यहां पे जाके हमने क्या किया, एचटीएमएल लगा के सिर्फ लिख दिया 7, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ, सिर्फ 7 लिखा हुआ। समझ आ रही है आवाज, याद है क्या, नहीं आ रही। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि फायरबेस की चीजों को यूज करने के लिए हमें जो चीज को इंस्टॉल करना पड़ता है उसका नाम होता है नोड। क्या होता है भाई, नोड जेएस, प्लस पे जाना है और यहां पे लिखना है नोड जेएस। नोड जेएस पे जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड यहां पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, रिकमेंडेड फॉर और लेटेस्ट फीचर। आपको क्या करना है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर पे जाना है। जब आप इसको क्या कर देंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूं, डाउनलोड कर देता हूं, और डाउनलोड करने के बाद वैसे मेरे पास यहां पे डाउनलोड होगा, मैं चेक कर लेता हूं नोट, हाँ मेरे पास हुआ हुआ है डाउनलोड, ठीक है। आपके पास डाउनलोड नहीं होगा, सिंपल क्या करना है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट 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 फिनिश, बस ये काम करना है। नोट ये इसको डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर में जाते हैं और यहां पे क्या ओपन करते हैं, सीएमडी। क्या ओपन करेंगे भाई, सीएमडी, नजर आ रहा है सबको या नहीं आ रहा। यहां पे जाके हम इसको बोलते हैं कि मैं न्यू फोल्डर में खड़ा हूं, मुझे ये बता नोड माइनस वी। नोड माइनस वी का मतलब क्या होगा, नोड का वर्जन बता दो। पहली कमांड चला, इसने बोला कि भाई वर्जन 18.17 है, अपडेटेड है, ठीक है। अच्छा, अगर ये नोड जेएस इंस्टॉल नहीं होगा तो ये चीज चलेगी नहीं आपके पास, बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो पहली कमांड चलानी है वो आपने क्या बोला, npm। npm का मतलब क्या है, नोड पैकेजिंग मैनेजर। क्या है ये, नोड पैकेजिंग मैनेजर। इसकी मदद से आप क्या करते हो, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करते हो। अब हमें क्या करना है, npm install, क्या लिखा मैंने, npm install। आप यहां पे जस्ट i भी लिख सकते हो, i फॉर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। मैंने यहां पे बोला है npm install माइनस माइनस ग्लोबल, क्या करना है, फायरबेस डैश टूल्स। क्या कमांड चला रहे, पढ़ो इसको, लिखो अपने अपने पास, क्या लिख रहे हैं यहां पे, npm install माइनस माइनस ग्लोबल फायरबेस डैश टूल्स, एंटर प्रेस कर दो इसको। अब ये क्या करेगा, फायरबेस के जितने भी टूल्स होंगे वो उसको क्या कर देगा, इंस्टॉल करेगा। कहां पे इंस्टॉल करेगा, कहां पे करेगा, npm के जरिए तो कर रहा है ना, न्यू फोल्डर में करेगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा क्या होगा, टाइम लेगा ये, जो साथ साथ कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर कोई साथ साथ कर रहा है तो,
हो गया, आप अपना इंटरनेट चला रहे हो ना, सैलानी कहीं चला रहे हो? अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या हुआ, फायरबेस के टूल्स जो है वो क्या हो गए, क्या हो गए, इंस्टॉल हो गए। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें जो कमांड चला, उस कमांड का क्या नाम है, अब उसका नाम है npm या नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं फायरबेस लॉगिन या फायरबेस डैश लॉगिन होता है, देख लेते हैं कोई एरर आता है तो। हाँ, हमने क्या किया, दूसरी कमांड क्या चलाई, बोलो ना, फायरबेस लॉगिन। अब इसने बोला अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट सीएलआई एंड एम्युलेटर सूट्स वगैरह, मैंने इसको क्या बोल दिया, वाई, वाई फोर क्या होता है, यस होता है, हमने यस कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने क्या बोला, ऑथेंटिकेट करो, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वाई करने के बाद मैंने छोड़ दिया, वाई करने के बाद जैसे मैंने छोड़ा तो ये चीज आ गई, मैं इसको क्या कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा, क्या कर दूंगा भाई, अलाउ कर दूंगा। अब अलाउ करने के बाद अकाउंट सिलेक्ट करना है, मैंने इसको क्या बोला, मोहम्मद साद अली वाला अकाउंट क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो, ठीक है। और नीचे आके हमने इसको क्या बोल दिया, अलाउ, इसने क्या बोला, क्या बोला, फायरबेस सीएलआई लॉगिन सक्सेसफुल हो गया फायरबेस। अच्छा जी, क्या करने हैं, अब हमें यहां पे कमांड चला है जिसका नाम है फायरबेस इनिट, मतलब लॉगिन तो करवा दिया, अब क्या करवाना है, इनिशियलाइज कराना है, करके देखें, हमने क्या कर दिया, इनिट चला दिया। अब ये बोल रहे आर यू रेडी, क्या बोलेंगे, नो, यस कर देंगे। अच्छा जी, अब ये आपके सामने सर्विसेज लाके दे रहे हैं, बोले क्या करना है, रियल टाइम डेटाबेस यूज करना है या फायर स्टोर, ये देखो, ये देख सकते हो, ये रियल टाइम है, नीचे क्या लिखा हुआ है, फायर स्टोर, नीचे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन, नीचे क्या लिखा हुआ है, होस्टिंग। अच्छा जी, हमें क्या करना है, नीचे आना है एरो से, किस पे जाना है, होस्टिंग पे जाना है। अब होस्टिंग भी कितने तरीके की नजर आ रही है, दो तरीके की, पहले में ये बोले के कंफिगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग एंड ऑप्शनली सेटअप GitHub action deploys optionally, और नीचे वाले में क्या बोल रहे, setup GitHub action deploys, मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको ये बोलूंगा कि आप क्या करो, इसको जाके सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कैसे करेंगे, नहीं इंटर नहीं करना, क्या करना है, स्पेस दबाना है, स्पेस की मदद से क्या होगा, सेलेक्ट होगा, अब स्पेस के बाद एंटर प्रेस करना है, वही स्पेस दबा दो, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब ये बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन, क्या आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, अभी बनाया था हमने, शायद बनाया था, नहीं बनाया था, हमने बोला यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जाते हैं, बोले भाई इतने सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं, बताओ किस पे होस्ट करना है, बताओ किस पे होस्ट करना था, सैलानी पे। अब ये सैलानी कितने बता रहे, ये दो सैलानी बता रहे, याद है किसी को कौन सा वाला सैलानी था, देख लो, किसी दूसरे वाले में जाके ना करते, लेकिन चलो खैर, हमने क्या किया, नीचे वाले पे जाके 78, इसका नंबर याद रखना 798D0, इस पे जाके हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ सैलानी के नाम से भी होगा है या नहीं है, नहीं है, 79 वाले पे जाके हमने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि आप व्हाट डू यू वांट टू यूज एज योर पब्लिक डायरेक्टरी, अब अगर मैं यहां पे किसी भी फोल्डर का नाम लिखूंगा ना, लेट सपोज मैंने यहां पे लिखा न्यू फोल्डर, तो वो क्या करेगा, पब्लिक का फोल्डर जो बना रहा था उसको किस फोल्डर से बना देगा,
न्यू के नाम से बना देगा, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट पे क्या बनाएगा, पब्लिक ही बनाएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने इसको हटा के यहाँ पे साध के नाम का क्या कर दिया, फोल्डर बना दिया। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, index.html खुद बना के देगा। साथ के बाद क्या किया था, एंटर प्रेस किया था। अब ये बोल रहा है कि कॉन्फ़िगर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, रीराइट ऑल यूआरएल टू index.html। इसका मतलब ये है कि ये एक फाइल बना के देगा index.html की, वो मेरी फाइल नहीं होगी, वो किसकी फाइल होगी, वो फायरबेस की index.html होगी। और वो जो फायरबेस की index.html है ना, वो ही होस्ट हुई भी होगी। मुझे अपनी index.html को रिप्लेस करवाना है किससे, फायरबेस की index.html से। और ये जो फायरबेस की index.html पड़ी हुई, ये किस फोल्डर में पड़ी हुई, अभी जो साथ का फोल्डर बनाया था उसके अंदर पड़ी हुई, उससे बाहर आएंगे तो बाहर मेरी index.html पड़ी हुई। ऐसा ही है, मैंने इसको क्या बोला, वाई कर दो, यस करके। अब ये बोल रहे हैं सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड एंड डिप्लॉय विद गिटहब, मैं इसको बोल दूंगा नो। अगर यही करना होता तो होस्टिंग में पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने का बजाय दूसरा वाला कर लेते। मैंने इसको क्या बोल दिया, नो अभी नहीं, एंटर प्रेस कर दिया। इसने क्या बोला, बोल रहा है कि भाई फायरबेस की इनिशियलाइजेशन जो हो गई है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई, स्टेप्स रिवाइज करो। सबसे पहले जाके नोड जेएस को क्या किया, इंस्टॉल किया, दूसरे में जाके वर्जन चेक करना वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल कमांड है। थर्ड में जाके npm i माइनस माइनस ग्लोबल फायरबेस टूल्स, नहीं फायरबेस डैश टूल्स, डैश नहीं लगाओगे नहीं होगा, ठीक है। फिर चौथी कमांड फायरबेस लॉग इन, फायरबेस लॉगआउट भी चला सकते हो उस सूरत में जब किसी और का अकाउंट खुला हो, ठीक है। फिर आप क्या करना है, पांचवी कमांड फायरबेस इनिट, क्या था, फायरबेस इनिट, हर चीज में यस 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 करते हुए जा रहे थे। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करना था या न्यू करना था, एग्जिस्टिंग करना था, ठीक है। फिर जाके हमने क्या किया, हर चीज में यस यस यस, जैसी गिटहब वाली बात आ गई उसमें क्या कर दिया, नो कर दिया, पब्लिक फोल्डर बनाए रखा, index.html को रीराइट कर दिया ना, सही है। अब यहां पे जाके इसने जब बोला कि आपकी फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई, ये रहा मेरा फोल्डर, आपके सामने कितने फोल्डर बनाए थे, एक फोल्डर बनाया था उसके अंदर सिर्फ index.html रखी हुई थी, दूसरा क्या रखा हुआ था, और कुछ भी नहीं रखा हुआ, ऐसा ही है ना। ये देखो न्यू फोल्डर के अंदर जाके, ये न्यू फोल्डर था ना, सिर्फ एक index.html की फाइल बनाई थी, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये सब किसने बना के दिए। इसका मतलब ये है कि क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गई है। अब साथ का फोल्डर भी तो बनाया था, वो किसने बनाया था, मैंने बनाया था, फायरबेस ने बनाया था। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर एक index.html की फाइल होगी जो कि वो बनाएगा। जाके देखते हैं इसने index.html लिखा है, भाई बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया, बाहर वाले index.html को क्या कर दिया, कट कर दिया, और अंदर जाके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट करने लगा इसने बोला भाई पहले से मौजूद है, रिप्लेस कर दूं, क्यों नो। मैंने क्या बोला था, index.html उसकी अपनी बनी हुई है, उसने होस्ट की हुई है, उसको किससे करना है, अपने वाले से करना है। मैंने इसको जाके क्या बोल दिया, रिप्लेस कर दो। भाई बात समझ आई या नहीं आई, आ गई। अब जाके एक आखिरी कमांड चलाएंगे, क्या करेंगे भाई, आखिरी कमांड चलाएंगे, लेकिन यहां पे जाके नहीं चलाएंगे, कहां पे जाके चलाएंगे, ये जो फोल्डर बना है ना साथ का, इसके अंदर जाके cmd लिखेंगे, और अब यहां पे जाके बोलेंगे npm, नहीं सॉरी, यहां पे बोलेंगे फायरबेस डिप्लॉय, क्या बोल देंगे, फायरबेस डिप्लॉय, एंटर प्रेस करते हैं। अब ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल अंदर मौजूद होंगी उसको क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा।
हो गया डिप्लॉय, हो गया। नीचे एक लिंक आ रही है, ये देखो नीचे एक लिंक आ रही है, नहीं आ रही है, बोल रहा है होस्टिंग यूआरएल। होस्टिंग यूआरएल क्या है आपका, ये है, कॉपी किया मैंने इसको। कॉपी करने के बाद क्या करना है, क्रोम पे जाके इसको चेक करना है, ये है ना इसका यूआरएल, आएगा नहीं आएगा, आएगा आगे। सही है भाई, बात समझ आई है नहीं? अब URL चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते, URL को चेंज करना पड़ेगा ना, तो वहां जाके वो जो सैलानी बनाया था ना उसका नाम चेंज करना, डोमेन नेम 786 वगैरह नहीं, हमने सिर्फ सैलानी लिखा था ना, सैलानी के आगे आप कोई नंबर वगैरह डाल दोगे ना, वो 786 वगैरह जो भी आ रहा था ना उसका वो रिप्लेस हो जाएगा आपके नंबर से। ये वेब ऐप है जिसी तरीके से netlify.app लिखा हुआ आ रहा था ना, तो ये वेब ऐप भी लिखा हुआ है। अब आखिरी ये चेंजेस करके चेक करना, पहले मसला हो रहा था ना netlify में भी मसला हो रहा था चेंजेस करने के बाद, github में भी मसला हो रहा था चेंजेस करने के बाद, इसका देखते हैं कि इसके चेंजेस में क्या मसला है। हम यहाँ पे अपने पास कहां पर गए, कोड में, और ये वाला कोड तो हमने हटा दिया था आई थिंक, ऐसे ही है। अब यहाँ पे जाके हमें क्या करना था, ये index.html की फाइल है, ओपन विद किया इसको विजुअल कोड स्टूडियो से, ठीक है। इस साथ को हमने हटा के क्या लिख दिया, मोहम्मद साद अली। चेंजेस आ गई है या नहीं आई है, आ गई है चेंजेस। अब बताओ रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि चेंजेस विजुअल कोड स्टूडियो में करी है, उसको भी तो बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, फायरबेस को, कि मैंने चेंजेस कर दी है। ये हमने एक सीएमडी खुला हुआ था, कहाँ है, साथ के अंदर मौजूद है। अब ये सारी कमांड चलाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना लिखो फायरबेस डिप्लॉय। क्या लिखा, फायरबेस डिप्लॉय, इसी को वो क्या कर देगा, दोबारा डिप्लॉय कर, दोबारा डिप्लॉय किया इसने। और अब देख लेते हैं कि ये अब लिंक अलग बना के देगा या वही वाली लिंक बना के देगा। इसने बोला https 7 वही वाली लिंक है, देख रहे हो वही वाली लिंक है। इसको जब रिफ्रेश करके देखा मोहम्मद साद अली आ गया, चेंजेस इंस्टेंट हुई, सारी कमांड बस एक मरतबा चलाई थी। शुरू शुरू में तकलीफ तो होती है लेकिन फिर बाद में आदत सी हो जाती है, कैसे बोल रहे आदत हो जाती है। हाँ भाई, तो अब शुरू शुरू में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये कमांड वगैरह चलानी है। जब एक कमांड आपने चला दी, एक मरतबा फोल्डर चढ़ा दिया, उसके बाद जो भी चेंजेस करोगे एक कमांड चलाओगे बस, कौन सी, फायरबेस डिप्लॉय, आपका प्रोजेक्ट पूरा होस्ट हो जाए, इमेजेस हो कुछ भी हो। अच्छा इमेज भी लगा के देख लें, क्या बोलते हो, या वो आप खुद ही लगा लेंगे, लगा लेंगे, मसला तो नहीं है। और कुछ पूछ लें, कितनी होस्टिंग हो गई हमारी, तीन होस्टिंग हो गई। अब तीन में से जो भी करना चाहो कर लेना, मसला तो नहीं है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं, नोटपैड पे जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, इंस्टॉल किसको करना है, नोड जेएस को। फिर उसके बाद क्या करना था, फिर सीएमडी पे जाना था, सीएमडी पे जाने के बाद क्या करना था, नोड माइनस वी, क्या बताता है ये, वर्जन बताता है। फिर इसके बाद क्या करना था, एनपीएम इंस्टॉल माइनस माइनस ग्लोबल फायरबेस डैश टूल्स। इसके बाद क्या करना था, फायरबेस लॉगिन, अगर किसी और का अकाउंट खुला हुआ हो तो आप क्या लिखेंगे, फायरबेस लॉगआउट। फिर लॉगआउट के बाद दोबारा फायरबेस लॉगिन चलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद क्या करना है, फायरबेस इनिट। फिर क्या करना है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जाना था, एग्जिस्टिंग
प्रोजेक्ट पे जाना था, इसके बाद क्या करना था, हर चीज में यस यस यस, पब्लिक का वो बोले यस, कोई मसला था नहीं था। फिर गिटहब वाली बात आई, गिटहब पे जाके हमने क्या कर दिया, नो कर दिया। फिर इसके बाद क्या किया था, पब्लिक तो हो गया था ना, फिर उसके बाद क्या किया, फायरबेस डिप्लॉय, कहां पे जाके फोल्डर चेंज करना है, इसके आगे मैं लिख देता हूं, फोल्डर चेंज देन फायरबेस डिप्लॉय। अगर उसी में जाके करोगे तो नहीं होगा, और फायरबेस डिप्लॉय से पहले क्या करना था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रिप्लेस करना था किससे, फायरबेस के फोल्डर के अंदर वाली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से। एक और बात पता लग गई कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का फाइल नेम होना जरूरी है, अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का नेम नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, हो गई सारी बातें, पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लो, लिखना है लिख लो, जो करना है कर लो, ले लो ना पिक्चर, खुद ही कर लेना, मैं हटा दूंगा प्राइवेसी उसके ऊपर से, वैसे हटी भी मेरे ख्याल से, जब भी तो कल मैसेज कर रहे थे कुत्तों की तरह से, जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आई। ओ हाँ भाई हो गया, अब गिटहब के भी वो कर लेते हैं, कमांड्स लिख लेते हैं अपने पास। गिटहब की कमांड्स क्या थी, सबसे पहले ये तो याद हो जानी चाहिए, गेट स्टेटस, फिर क्या करना था, गेट इनिट, फिर क्या करना था, गेट स्टेटस, फिर क्या करना था, गेट एड, डॉट का मतलब ऑल फाइल्स, फिर उसके बाद क्या करना था, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, इसमें क्या था, अपना नाम, इसी को हमने क्या किया था, कॉपी यहां पे पेस्ट कर दिया था, क्या करेंगे अब, यूजर डॉट ईमेल, और यहां पे अपनी ईमेल, फिर क्या किया था, नहीं गेट कमिट माइनस एम कोई भी मैसेज, फिर इसके बाद गेट रिमोट एड ओरिजिन, इसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं लिंक पेस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रैकेट लगा के लिंक पेस्ट करना है, ठीक है, अब क्या करना है, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन, क्या करेंगे, मास्टर, अगर मसला आए तो क्या करोगे, कहां जाना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद क्या करना है, क्रेडेंशियल मैनेजर, इसके बाद किस में जाना था, विंडोज या वेब में, विंडोज क्रेडेंशियल्स, फिर उसके बाद कहां जाना था, सर्च फॉर गिटहब, उसके अंदर कौन नजर आएगा, अनस इरफान, फिर कौन नजर आएगा, फिर उसको क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद नहीं लेकर नहीं आना, बस रिमूव कर देना है, फिर वो खुद ही करेगा, फिर दोबारा जाके कौन सी कमांड चलानी है, ये वाली कमांड चलानी है, फिर ब्राउजर पे ऑथेंटिकेशन खुलेगी और आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ तो पहले रिमूव कर दो, ये भी अपने अच्छा दिमाग चलाया, क्या बात है, सही है भाई, बात समझ आई या नहीं, एक सवाल पूछूं, पूछूं एक सवाल,
कौन सा था? ये वाला था ना हमारा, ये तो होस्ट हुई है। रुको रुको, मुझे पता है ट्रू आएगा। बहुत आसान सा जवाब है ना इसका, आप बहुत प्यार से बोल रहे ट्रू आएगा। कौन सा था? यही वाला था। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू? क्या बोल रही है? ट्रू बोल रहा है भाई, सही जवाब है इसका। लेकिन ये थोड़ी पूछा जाएगा कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये पूछा जाएगा ये चल कैसे रहे। ये चल ऐसे रहे कि सबसे पहले इसको क्या मिला? फॉल्स मिला। अगर फॉल्स मिला तो ये आगे गया, आगे इसने देखा ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। और अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आगे वाली भी कंडीशन चेक करेगा, अगर नहीं तो फिर आगे वाली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। अब यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि वार बी इक्वल्स टू, मैंने यहां पे बोला फॉल्स, मैंने यहां पे बोला ट्रू। फॉल्स बताएगा, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है फॉल्स। लेकिन जवाब ये देना पड़ेगा कि शुरू में ही क्या मिल रहा था? फॉल्स मिल रहा था। और आगे क्या मिला इसको? एंड ऑपरेटर। क्या मिला? एंड ऑपरेटर अगर इसको मिल गया और पीछे इसको मिल गया फॉल्स, आगे आप 10 करोड़ मरतबा भी ट्रू लिखोगे ना, वो आगे जाएगा ही नहीं, चेक ही नहीं करेगा कि आगे फॉल्स मिल रहा है ट्रू मिल रहा है। बात समझ आ रही है? ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फॉल्सी वैल्यूज हमारे पास कितनी होती है? फॉल्सी वैल्यूज हमारे पास कितनी होती है? एक होती है हमारे पास फॉल्सी वैल्यूज, चलो ये चेक कर लेते हैं, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। 6 होती है फॉल्सी वैल्यूज। कौन कौन सी बता रहे? ये देखो, ये अपने पास लिख भी लो और ये अपने पास याद भी करके जाना कि फॉल्सी वैल्यूज कितनी होती है। पहला होता है फॉल्स, पहला क्या होता है? फॉल्स होता है। फिर दूसरा क्या होता है हमारे पास? जीरो। क्या लिखा भाई ये? नजर आ रही है? जीरो। जीरो भी क्या है? फॉल्सी वैल्यू। अगर इसका मतलब ये है कि इसको मैं अनकमेंट करता हूं, यहां पे जाने के बाद मैं लिख देता हूं जीरो, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। और अगर मैं इसको यहां पे जाने के बाद बंद कर देता हूं, उसका मतलब क्या है? ट्रू। तो दूसरी फॉल्सी वैल्यू क्या है? जीरो। तीसरी फॉल्सी वैल्यू क्या है? और नहीं है ये, क्या है ये? एम्प्टी स्ट्रिंग। यहां पे हम इसको हटाते हैं, हम इसको बोलते हैं पहली फॉल्सी वैल्यू क्या थी? फॉल्स। दूसरी फॉल्सी वैल्यू क्या थी? जीरो। तीसरी फॉल्सी वैल्यू क्या थी? एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। चौथी क्या है? नल। ये याद करके जाना, मुझे याद करोगे फिर बाद में। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या है? अभी तक आया अनडिफाइंड? कंसोल पे अनडिफाइंड का कोई मैसेज आया था या नहीं आया था? अभी इससे मुतालिक भी एक सवाल पूछता हूं मैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? एनएन। एनएन का, एन का मतलब क्या होता है? नॉट अ नंबर। ये आपको क्या करनी है? अपने पास याद करनी है। अनडिफाइंड की मैं बात कर रहा था, मैंने उसको बोला एक वेरिएबल। इस वेरिएबल को मैंने क्या बोला कि एक ए बना और इसको क्या करवा दो? कंसोल करवा दो। किसको करवाओ? ए को। बताओ आंसर क्या आएगा इसका? अनडिफाइंड आएगा या फिर इज नॉट डिफाइंड आएगा? ये इंटरव्यू का पक्का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इज नॉट डिफाइंड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड? हाँ, नाम से ही पता लग रहा है। अभी यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भाई इज नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन रिफ्रेश करने में ये क्या बता रहा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? कि ये वेरिएबल बना हुआ है, ये वेरिएबल बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसको मैं हटा देता हूं, अब क्या आएगा? ये देखो, रिफ्रेश करके देखते हैं अब क्या बता रहा है। इज नॉट डिफाइंड। तो इस फर्क को अपने जहन में रखते हुए जाना, ठीक है भाई? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा जी, और क्या मालूम कर सकते हैं इसके अंदर? ये फॉल्सी वैल्यूज मालूम हो गई आपको? कितनी वैल्यूज हैं? बताओ कौन कौन सी? फॉल्स था, जीरो था, जीरो के बाद
एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद नल, नल के बाद अनडिफाइंड, के बाद नॉट अ नंबर। ये छह फॉल्सी वैल्यूज हैं, ठीक है, बात समझ आ गई है। अच्छा, फायरबेस को लॉगिन कराने के लिए कौन सी कमांड थी? npm firebase login थी, ऐसा ही क्या थी? firebase login, भाई पैकेज इंस्टॉल करना है firebase का, कौन सी कमांड चला रहे थे? npm i, i की जगह इंस्टॉल लिख सकता हूँ, और माइनस माइनस ग्लोबल की जगह माइनस माइनस जी लिख सकता हूँ, ये बताया नहीं था वैसे मैंने, ठीक है। फिर आगे क्या लिखना था? firebase space tools, firebase dot tools, ये देखो क्या बोल रहे हैं, dash tools, बात समझ आई? अच्छा, अब और क्या सीखा था हम लोगों ने? GitHub, ये तो सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। और कोई सवाल पूछना है अभी या नहीं पूछना? क्लास को ऑफ करें, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बताओ क्या समझना है। जेसन, जेसन के तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्या मैप? मैप तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैप हम जब पढ़ेंगे, जब हम लोग ES6 के ऊपर आ जाएंगे ना, वर्डलेट कॉन्स्ट पे आ जाएंगे, फिर फॉर ईच भी पढ़ेंगे, फिर मैप भी पढ़ेंगे, फिल्टर भी पढ़ेंगे, ये बस थोड़े से दिनों की बात है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने एक लूप पढ़ा, फॉर, फॉर का लूप, व्हाइल और डू व्हाइल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। और ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा लूप चल रहा था? फॉरेन का लूप चल रहा, ये दो लूप पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, क्या करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर? मल्टीपल यूजर को साइन अप करा देंगे। किसका हो गया? एक स्टूडेंट का हुआ है बस, मल्टीपल यूजर साइन अप, और किसी का भी नहीं हुआ। चलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल यूजर साइन अप करेंगे। और कोई दूसरी चीज? मैं दो टास्क दे रहा हूं, घर से बना के आना। पहले वाले टास्क का नाम है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम पता है, और दूसरे वाले टास्क का नाम है कि फैक्टोरियल रिटर्न करेगा उसका। ये सारा काम हो सकता है जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है ना उसके जरिए। पैलिंड्रोम क्या चीज है? सबसे पहले इस चीज को समझो, हम वर्ड लिखते हैं सिविक, सिविक को आगे से लिखो या सिविक को पीछे से लिखो, वर्ड सिविक ही बनेगा। वर्ड है मैडम, आगे से लिखो पीछे से लिखो मैडम ही बनेगा। एक बचपन में छाई आती थी 1-to-1, हाँ अभी भी आती है, पता नहीं है आती होगी या नहीं आती होगी। आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो 1-to-1 ही बनेगा। तिब्बत, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, एक चलेगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में बोलेगा कि भाई वैल्यू इंसर्ट करो, अगर प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉम्प्ट अपना पैलिंड्रोम वैल्यू होगी तो वो बता देगा व्हाट इज पैलिंड्रोम, और अगर प्रॉम्प्ट के अंदर उसने अपना नाम लिख दिया सात, सात पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं है? नहीं है, तो वो क्या बता देगा? सात इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ये हो गया एक टास्क। दूसरा टास्क क्या है? एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन के अंदर क्या होगा? प्रॉम्प्ट से अपना नंबर लिया जाएगा, यूजर जो भी नंबर इंसर्ट करेगा उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर दे। फैक्टोरियल का मतलब पता है? मतलब जैसे अगर मैंने लिखा 4, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैंने लिखा 9, 9 का फैक्टोरियल क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। रिवर्स चलेगा, बात समझ आ रही है? खुद से करने की कोशिश करना, वरना मेथड का भी यूज कर सकते हो, रिवर्स वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। रिवर्स के हमारे पास मेथड्स होते हैं कुछ, वो देख लेना एक तरीके, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ, जो भी वैल्यू इंसर्ट करो वो बताएगा।